Whatever you believe with feelings become your reality. Brian Tracy की statement है, famous Brian Tracy. Brian Tracy को पढ़ें और मुरादें पाते जाएं. Brian Tracy की books net में available हैं, इसकी videos available हैं. लाहौर में वैरायटी बुक स्टोर में इसकी बुक्स अवेलेबल है, आप खरीदें और पढ़ें ब्रायन ट्रेसी को. व्हाटएवर यू बिलीव विद फीलिंग्स बिकम योर रियलिटी. द थिंग्स ऑलवेज हैपन टू दोज टू यू रियली बिलीव इन एंड द बिलीव इन ए थिंग मेक इट हैपन. द डेप्थ ऑफ योर बिलीव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ योर कन्विक्शन. अब ये मिलियन डॉलर स्टेटमेंट ऑफ द डे है जी, मिलियन डॉलर स्टेटमेंट ऑफ द डे. इसको हमें अपने दिल में नक्श कर लें, अपनी किताबों में लिख लें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने वालदन को दिखाएं, अपने स्पाउसेस को दिखाएं. ये क्या चीज़ है, ये स्टेटमेंट ऑफ द डे है ब्रायन ट्रेसी की. बिलीव पे अच्छी से अच्छी स्टेटमेंट मैंने बहुत कम पढ़ी है. द डेप्थ ऑफ योर बिलीव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ योर कन्विक्शन डिटरमिन्स द पावर ऑफ योर पर्सनैलिटी. बस पावर ऑफ योर पर्सनैलिटी, क्या आपकी किरदार की अजमत आपकी बिलीव और कन्विक्शन के साथ साथ चल रही है. बिलीव एंड एक्ट एज If it were impossible to fail. ये पहले भी हमने देखा है. Miracle happens to those who believe in them. मौजे सिर्फ उनके साथ होते हैं जिनका इत्तेकाद है मौजों के लिए. हर के साथ मौजे नहीं होते. और मौजों के लिए conducive environment आपका belief और determination और conviction create करती है मौजों के लिए. फिश्ते भी उस वक्त आते हैं जब पीछे conviction हो, belief हो, commitment हो, विल हो, अकीदे में पुख्तगी हो और नेचर में पॉजिटिविटी हो. और अगर उसमें सोसाइटल कंसर्न हो तो सोने पे सुहागा है. अगर उसमें सोसाइटल कंसर्न है तो सोने पे सुहागा है. वो तो फिर अमर हो जाता ना बंदा उस पर. बुद्धा की बिलीव में सोसाइटल कंसर्न था तो बुद्धा अमर हो गया. आपको पता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलीवर्स ऑन द अर्थ इज बुद्धिस्ट इवन टूडे. 5000 साल पहले का मैसेज उसका विदाउट इंटरनेट आज भी चल रहा है. अजीब सी बात नहीं है. और उसके पास बहुत बड़ा बादशाहत थी, तख्त व ताज था, खूबसूरत बीवियां थी, औलाद थी, सब कुछ था उसके पास. छोड़ के जंगल में बैठ गया कि मैं इंसानियत के लिए मैं कुछ फाइंड करूं क्या उनकी सॉल्यूशंस, इश्यूज का सॉल्यूशन क्या है. फॉर दोज हु बिलीव नो प्रूफ इज नेसेसरी एंड फॉर हु डोंट बिलीव नो प्रूफ इज पॉसिबल. जिनका ईमान नहीं है बिलीव पे उनको कोई सबूत साबित नहीं कर सकता. वो कुरान जीत की एक आयत का तर्जुमा नहीं है कि इनके चेहरों पे दिलों में मोहर लगा दी गई है. सुना है वो आयत, सुनी है किसी ने? कहते हैं दोज हु डोंट बिलीव नो प्रूफ इज पॉसिबल एंड फॉर दोज हु बिलीव नो प्रूफ इज नेसेसरी. पावर ऑफ बिलीव को आज अनलीश करें आज के बाद जनाब आप. यही बिलीव था आज से 800 साल पहले, 900 साल पहले जब लोग तारिक फतह करते हुए, तारिक बिन ज़ियाद का, उसने किश्तियां जला दो हमने फतह करना है और हमारे पास ऑप्शन है कोई, किश्तियां जला दी, बिलीव था, लोगों ने फतह कर लिया स्पेन. स्पेन 300 साल फतह नहीं हुआ, 400 साल बिलीव पे फतह हो गया. पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप उसके बाद कभी जीता नहीं है, बिलीव की वजह से जीता कमजोर टीम से. बिलीव क्या जी? यस वी कैन एंड वी शैल, यस वी कैन एंड वी शैल, ये बिलीव की पावर है हमारे लिए.